हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले से सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में हम आपसे बात करते हैं कि हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स फिक्सेटिव जो हैं उनके बारे में, जो कि म्यूजियम टेक्निक में काम में लिए जाते हैं। उनकी जो फिक्सेशन करने की क्या क्या टेक्निक होती है उनके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा। बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं, हम अगर देखें तो चैप्टर पढ़ रहे हैं म्यूजियम टेक्निक्स इन हिस्टोपैथोलॉजी। अब फिक्सेशन करने की जो टेक्निक है उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम बात करते हैं हमारे टॉपिक की। आज का हमारा टॉपिक है फिक्सेशन टेक्निक। फिक्सेशन टेक्निक जो है ये मोस्ट वाइडली यूज किए जाते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ मेथड डिस्क्राइब बाय केजरलिंग, ये टेक्निक जो केजरलिंग के द्वारा बताई गई है, इनमें कुछ मॉडिफिकेशन भी हुए हैं लेकिन जो बेसिक जो है वो केजरलिंग के द्वारा बताई हुई टेक्निक। वो कब है, 1897 में है। द ओरिजिनल टेक्निक इम्प्लॉयड थ्री सॉल्यूशन। ओरिजिनल जो टेक्निक थी उसमें तीन सॉल्यूशन थे, फर्स्ट फॉर फिक्सिंग, द सेकंड फॉर रिस्टोरिंग कलर एंड द थर्ड ए माउंटिंग फ्लूइड। ये फिक्सेशन की टेक्निक या केजरलिंग टेक्निक थी जिसमें तीन चीजें थी। पहला सॉल्यूशन था फिक्सिंग के लिए, दूसरा था रिस्टोरिंग कलर के लिए और तीसरा था फ्लूड जो है वो माउंटिंग के लिए। याद रखना है ये केजरलिंग की जो टेक्निक है वो कौन सी थी प्राइमरी। आगे हम बात करते हैं तो केजरलिंग फर्स्ट सॉल्यूशन यानी कि फिक्सिंग फ्लूड जो है वो कैसे बनता था। उसके लिए हम क्या करते थे, फॉर्मलिन 40% लेना है आपको और 400 ml लेना है। पोटेशियम नाइट्रेट जो है 30 ग्राम लेना है, पोटेशियम एसीटेट जो है 60 ग्राम लेना है, वाटर जो है वो 2 लीटर तक लेना है, 2000 ml लेना है। अभी लेंगे कैसे आप, ये लेंगे आप किससे, फिजिकल बैलेंस से नाप नाप करके लेंगे। इसको कैसे लेंगे, फिजिकल बैलेंस से आपको 30 ग्राम नापना है, 60 ग्राम नापना है। हमने भी ऐसे ही फिजिकल बैलेंस से नाप करके जब ये बनाना स्टार्ट किया था, हमको जब सिखाया था, ठीक है। तो ये केजरलिंग फर्स्ट सॉल्यूशन जो होता है फिक्सिंग फ्लूड होता है केजरलिंग टेक्निक का या फिक्सेशन टेक्निक का। फिक्सेशन इन केजरलिंग नंबर 1 सॉल्यूशन पोर 24 आवर्स टू फ्यू वीक्स डिपेंडिंग ऑन साइज ऑफ स्पेसिमेन। इसमें आप पहले में आप 24 घंटे से लेकर के कुछ वीक्स तक कर सकते हैं। स्पेसिमेन की जो साइज है वो इसके लिए मैटर करती है कि स्पेसिमेन का साइज कितना है। ज्यादा स्पेसिमेन का साइज है तो आप कम टाइम के लिए कर सकते हैं, अगर स्मॉल है तो उसको ज्यादा टाइम के लिए कर सकते हैं। केजरलिंग नंबर 2 सॉल्यूशन, इनको जो है नाम ऐसे दिया जाता है जैसे ये लिखा हुआ है केजरलिंग नंबर 2, ये रोमन में ही लिखा जाएगा, ठीक है। स्पेसिमेन इज प्लेस्ड इन 80% एथाइल एल्कोहल सॉल्यूशन फॉर ऑप्टिमल पीरियड ऑफ 1 आवर अप टू 4 आवर्स डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ स्पेसिमेन। बड़ा साइज, बड़ा अगर स्पेसिमेन है तो उसको 4 घंटे, ठीक है, और जो छोटा है तो उसको 1 घंटे में ही उसका फिक्सेशन हो जाएगा। इसको किसमें, 80% एथाइल एल्कोहल सॉल्यूशन में रखा जाता है इफ द स्पेसिमेन इज डिसकलर्ड, यानी कि कलर जो है वो जाने लगे उससे पहले, मतलब तब तक आपको, तब कलर नहीं जाए ऐसी कंडीशन तक आपको उसको रखना है। इफ द स्पेसिमेन इज लेफ्ट फॉर टू लॉन्ग इन एल्कोहल द कलर विल फेड। अब क्या है, ये है कि आपको उसको तब तक रखना है जब तक वो कलर नहीं जाए। अगर वो आप इसको ज्यादा टाइम तक रखेंगे किसमें, एल्कोहल, भाई एथाइल एल्कोहल ही तो है, 80% भी है तो वो है कलर फेड होने लग जाएगा और ये जो है इफेक्ट जो है ये इरिवर्सिबल, यानी आप इस कलर को आप दोबारा नहीं पा सकते हैं। नोट दिस स्टेप इज नॉट नेसेसरी व्हेन यूजिंग ए सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड माउंटिंग फ्लूइड। अगर आप सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड माउंटिंग फ्लूइड यूज करते हैं तो आप केजरलिंग नंबर 2 सॉल्यूशन या फिर दूसरी स्टेप को, केजरलिंग टेक्निक की को यूज नहीं करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये नोट है और ये इंपॉर्टेंट है। कलर रिस्टोरेशन कैसे किया जाएगा, द फिक्स्ड स्पेसिमेन इज नाउ ट्रांसफर टू ए जार, ये अगली टेक्निक है। जार में उसको ट्रांसफर करेंगे कंटेनिंग इंडस्ट्रियल मिथाइलेटेड स्प्रे अंटिल द कलर इज फुली रिस्टोर्ड। इसमें क्या डालेंगे, मिथाइलेटेड स्प्रे डालेंगे। द एल्कोहल पेनिट्रेट्स द टिश्यूज रैपिडली, एल्कोहल जो है क्या करेगा, टिश्यूज को जल्दी पेनिट्रेट करेगा। इफ द स्पेसिमेन फ्लोट्स इट शुड बी लाइटली कवर्ड विद सर्जिकल गोज, अगर
फ्लोट होने लग जाए तो उसको सर्जिकल जो गॉज है उससे आप थोड़ा कवर कर देंगे। द वेसल क्लोज टू प्रिवेंट एवापोरेशन, तो वेसल्स जो है उनको भी आप क्लोज कर देंगे जिससे कि उनका एवापोरेशन नहीं हो। कलर रिस्टोरेशन इज यूजुअली कंप्लीट इन 2 to 8 आवर्स, ये 2 से 8 घंटे में हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन साइज एंड करेक्टर ऑफ द स्पेसिमेन। तो ये हम प्रक्रियाएं पढ़ रहे हैं। पल्वर टाफ्ट 1936 डिस्क्राइब ए मेथड ऑफ रिस्टोरिंग द कलर टू टिश्यूज बाय एडिंग ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड टू द माउंटिंग फ्लूइड। तो ये पल्वर टाफ्ट का जो डिस्कवरी थी उन्होंने ये मेथड को यूज किया कि आप माउंटिंग फ्लूइड में ही क्या करिए, आप रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड को डाल दीजिए और आपको दूसरा जो मेथड है वो केजल लिंक करने की जरूरत नहीं है। स्पेसिमेंट माउंटेड बाय दिस टेक्निक सो रिमार्केबल वेली लिटिल फेडिंग इवन आफ्टर 25 साल। इस चीज ने क्या है 25 साल में भी हल्का मोटा ही फेडिंग हुआ कलर। तो ये जो है अब क्या है, इसी वजह से मैंने आपको जब पिछला जो लेक्चर था उसमें आपको बताया था कि फर्स्ट और जो सेकंड है, फर्स्ट और थर्ड लिए जाते हैं आजकल काम में, सेकंड वाला केजल लिंक का पार्ट नहीं लिया जाता है यूज, क्योंकि उसमें पल्वर ट्राफ्ट जी के द्वारा जो बताया गया है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड डालने का उसको यूज किया जाता है माउंटिंग फ्लूइड में डालने के बाद में। अब ओरिजिनल जो केजरलिंग जो है सॉल्यूशन नंबर थर्ड सॉल्यूशन है इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसको कैसे बनाएंगे, हम इसको बनाएंगे भाई साहब 500 ml तो आपको क्या लेना है आर्सेनिक एसिड 1% से 400 लेना है, ग्लिसरीन लेना है आपको 500 ml, आर्सेनिक एसिड 1% लेना है 200 ml, पोटेशियम एसीटेट लेना है आपको 250 ग्राम और थाइमोल लेना है 2.5 ग्राम। ये थाइमोल जो है ये एक प्रकार का प्रिजर्वेटिव होता है, इसके बारे में बात की थी हमने आपसे यूरिन में बात की थी आपसे। तो थाइमोल जो होता है वो प्रिजर्वेटिव होता है, ये प्रिजर्वेटिव डाला गया है और इसका जो अगर हम बात करते हैं कंटेंट जो होते हैं वो होते हैं ग्लिसरीन 500 ml, आर्सेनिक एसिड 1% 200 ml, पोटेशियम एसिटेट 250 ग्राम और थाइमोल 2.5 ग्राम, ऐसे बनेगा। पल्वर ट्राफ्ट जो है उसको मिलाकर के केजल लिंक माउंटेन फ्लूड बन जाएगा, उसमें आपने क्या डाला है उसमें आपने ग्लिसरीन 300 ml, सोडियम एसीटेट 10% जो पीएच 8 वाला होना चाहिए वो 100 ग्राम, 10% फॉर्मिलिन 5 ml और टैप वाटर 1 लीटर। ये केजल लिंक पल्वर ट्राफ्ट का जो माउंटेन फ्लूड जो हमने थर्ड बनाया है वो इस प्रकार से मिला करके बनता है। अच्छा, कैम्फोर थाइमोल कैन बी एडेड टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माउल्ड्स इमीडिएटली बिफोर सीलिंग 0.4% सोडियम हाइड्रोसल्फाइट इज एडेड। तो ये आप बना लेंगे, बनाने के बाद में आप थाइमोल भी डाल सकते हैं, कैम्फर भी डाल सकते हैं आप। ये नहीं, ये डालने के बाद में आपको क्या करना है, अब जब आप उसको पैक करने वाले होते हैं किसको, सोल्यूशन के साथ में स्पेसिमेन को, तो उसी टाइम पर आप क्या करिए 0.4% सोडियम हाइड्रोसल्फाइट उसमें डाल दीजिए। द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइट शुड नॉट बी नॉर्मली एक्सीड 0.4%, इतना ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इफ कलर रिस्टोरेशन मस्ट बी रैपिड, अगर आपको ज्यादा रिस्टोरेशन ज्यादा लेना है तो 0.6% हाइएस्ट ले सकते हैं आप, बट दिस इज टू बी अवॉइड एज वाइट प्रेसिपिटेट मोड, इसमें क्या है वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है। कई बार आप देखेंगे म्यूजियम में तो आपको हल्का हल्का सा वाइट दिखेगा भीतर, जो इस वजह से क्योंकि उसमें ज्यादा हाइड्रोसल्फाइट यूज कर लिया गया है। इफ द सॉल्यूशन इज नॉट क्रिस्टल क्लियर इट इज यूजुअली ड्यू टू इम्प्योरिटीज इन सोडियम एसीटेट, सर सॉल्यूशन शुड बी फिल्टर्ड थ्रू पेपर पल्प अंडर नेगेटिव प्रेशर। इफ दिस फेल्स 50 ml ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैम्फर इन एल्कोहल शुड बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, रीफिल्टर एज बिफोर। तो फिल्ट्रेशन बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि वो क्रिस्टल क्लियर सॉल्यूशन नहीं होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हैज आल्सो बीन एम्प्लॉयड एज कलर रिटेनिंग एजेंट, इसको भी यूज कर सकते हैं। ये सुल्ज की बात है जिन्होंने ये बताया था आपको 1931 में, विच गिव्स ब्रिलियंट कलर कॉन्ट्रास्ट बट एन टेल्स द रिस्क ऑफ पॉइजनिंग एंड एक्सप्लोजन एंड आल्सो कलर आर अनरियलिस्टिक। इजराइल एंड यंग जो है उन्होंने भी प्योर लिक्विड पैराफिन जो है उसको फाइनल माउंटेड के साथ में भी बताया है। इसी प्रकार से ये जो है पिगमेंटिंग के मेथड भी यूज किए जाते हैं।
तो ये हमने आपसे बात की है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो